तो कैसे आप सब लोग, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो चीनी आर्मी अपनी मूवमेंट कर रही है लद्दाख और उसी के मिररिंग रेस्पॉन्स इंडियन आर्मी दे रही है, उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और बिफोर वी बिगिन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन लेट्स कंटिन्यू। हे व्हाट्स अप, व्हाट्स डाउन, व्हाट्स ऑल अराउंड, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। यू आर वॉचिंग वरुण कटीज इंडियन ब्रेन टेस्ट। बिफोर वी बिगिन, आपको लग रहा है बंदे ने मास्क क्यों पहन के रखा है वीडियो पे? इसलिए क्योंकि चीना की जो कोरोना वायरस है ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आज अपने हिंदुस्तान में हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी प्लीज बी वेरी केयरफुल, वेयर मास्क व्हेन यू आर मूविंग आउटसाइड सिटी में, अपने ध्यान रखिए। कमिंग डायरेक्टली टू दिस वीडियो, चाइनीज आर्मी ने अपनी एक वीडियो वायरल कर लिया है जो अपनी मूवमेंट लद्दाख में कर रही है, उसी के बारे में वीडियो है। तो प्लीज गौर से देखिए और हर एक बारी के मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्टिंग से देख लीजिए। वाओ, देखने में ऐसा लगे कि क्या अच्छी मूवमेंट चल रही है, इससे अच्छा हमारे इंडियन आर्मी की है। कीप वॉचिंग। अभी विसल तो ढंग से बजा, ये तो हर एक आर्मी करती है भाई, ऐसी पैरा ट्रूपिंग अपने वेपन लोडिंग सब बंदे करते हैं, कोई अच्छे नए चीज नहीं करते। वेट, इसके बारे में देखो, उन लोगों ने क्या क्या बताया अपनी मूवमेंट जो बता रहे थे उसमें, दे शो देर पीपल इन द बस, उसी कंट्री में सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत जरूरत है, लेकिन बंदे बाहर अपने पर्सन ऐसे झुड़ के बैठे। आई डोंट नो व्हाट दे गोना डू नेक्स्ट। ओके, इनके बसेस पूरे निकल रहे शायद एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं। हाँ, टैंकर्स भाई हमारे पास भी है। एनी वेज, दैट्स टाइप 92 हमारे पास, इससे भी अच्छा है, सो नॉट एन इशू। ऐसे तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा है जो ट्रेन के पटरी पे हमारे टैंकर्स मूवमेंट होती है। दिस इज ऑल जस्ट साइकोलॉजिकल बिल्डअप दिखाने का कि हम क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला, दिस इज जस्ट अ बिल्डअप। तो इसकी वजह से ना ये पैनिकनेस क्रिएट होता है जो हमारे में नहीं है, बिकॉज हमने चीना को बहुत करीब से देखा। और ये देखिए, ट्रेन में बंदे ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, फिर भी लेट्स सी व्हाट दे गो नेक्स्ट। पूरी अपनी लगेज डाल रहे हैं। हाँ, ये तो पूरे एक वेपन्स दिख रही है, लेट्स गो। चलो चलो आ जाओ। ओके, अपनी बोर्डिंग पासेस मिल गए और निकल रहे सारे जवान। लेट मी सी व्हेयर दे गोना लैंड। अपनी पूरी वेपन्स देखो, ये सारे वेपन्स बाकी आइटम्स होते हैं, और सीधे आगे ये लोग लद्दाख में अपनी टैंकर्स लेके। ये शायद पूरा पुराने वीडियो हो सकते हैं। अरे बंदे, तू बीच में भाग मत भाई, तेरे को ठोक देगा, पहले ही तेरी चीजें मेड इन चाइना है तो। ओके, सो इनका ट्रूप का मूवमेंट देखो, ये लोग अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे। इतना सारा मूवमेंट देख ऐसा लगता कि जंग के माहौल आ चुकी है, एंड लाइक वी गोना गेट इनटू दिस वॉर, बैटलफील्ड में जाने वाले है भाई। दिस इज जस्ट अ बिल्डअप फ्रॉम बोथ द साइड। इंडियन आर्मी अपनी वीडियो ऐसे वायरल नहीं करती है बिकॉज उनको दिखावा नहीं चाहिए, बिकॉज दे नो डाउन द लाइन दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड एंड दे आर गेटिंग ऑल द ट्रूप्स देयर, और कड़ी सी कड़ी रेस्पॉन्स इनको दिया जाएगा। सो लेट मी गो विद द नेक्स्ट वीडियो। और उनके पूरे टैंकर्स और बफोर आर्टिलरी सिस्टम देख रहे हो, ये पूरे लद्दाख के अंदर है। और ये देखो, पूरी ट्रूप की ट्रेनिंग दिखा रहे हैं लोग, जस्ट दैट दे वांट टू शो देयर वॉर। ये लोग देखो, एक वीडियो इनकी वायरल हो चुकी है जहां पे लोग बंदे गाड़ी में जा रहे थे, डैशबोर्ड पे जो कैमरा रहता है उसमें इनकी टैंकर्स की मूवमेंट दिख रही है। तो इससे मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ अकेले अपने टैंकर्स मूवमेंट कर रही है, आगे ताकि दिखाएंगे इंडियन आर्मी की मूवमेंट कैसी होती है। एनीवेज, दिस इज ऑल मेक वीडियो जो जानबूझकर किया गया है इन लोगों ने, लाइक जस्ट टू शो ऑफ कि हम ऐसे ऐसे बिल्डअप कर रही है। और एक और चीज, जो वेपनरीज इन लोगों ने आज आर्टिलरी सभी जो भी दिखा रहे, दिस आर नॉट बीन टेस्टेड इन वॉर और बैटल फील्ड, ये सारे ऐसे है मैन्युफैक्चर्ड है और सीधे बाहर ऑन फील्ड है। तो There is no assurance of their items or their artillery that they have or the tankers they have. उनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, जो क्या बोलते हैं लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, बट ये वाला एक्सपेरिमेंट बाहर से जो दिख रहा है ये नहीं है। उनकी टैंकर अरे यार बड़ी सही से जा रहे। चलो एनी वेज, लेट्स मूव। तो ये नेक्स्ट वाली वीडियो है जो पुराने अपने सारे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे सारे देखा होगा अपने फॉरवर्ड्स पे, लाइक इंडिया चीना बात करती है। दिस वीडियो इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसे बहुत सारे बात हर बार होती है, महीनों में एक या दो बार जैसे हमारे ट्रूप्स उस तरफ जाते हैं, उनकी ट्रूप्स हमारे तरफ आते हैं, बीच में एक ग्रे एरिया होते हैं जिसमें इनकी क्लैशेस लग जाती है। तो जवान अपनी मूवमेंट करते हैं और लिखते हैं ना शो कि हम लोग आपके एरिया में हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम बोलेंगे कि हम लोग आपके एरिया में, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज द ग्रीन एरिया, ग्रे एरिया जो बोलते हैं हम लोग, उसमें इंडिया भी आ सकती है, चीना भी आ सकती है, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। बट फिर भी चीनी अपनी पूरी ग्रे एरिया जो है, अभी देखो इंडियन लाइन यहाँ पे, चीनी लाइन इधर है, तो इन दोनों के बीच में दोनों आ सकते हैं, दोनों पेट्रोलिंग कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ वो आ सकते हैं और अपनी पूरी उन लोगों ने बंकर्स और टैंकर्स यहाँ पे लगा दिए ताकि इंडिया आगे मुनाव कर पाए। तो आगे देखते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में,
जहाँ पे देखो नदी के उस पार चाइनीज आर्मी है और इस पार इंडियन आर्मी है, लेकिन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल्स की बातें सामने चल रही है। जस्ट दैट ये पूरे अभी यहाँ पे होता है ना, ये स्टोन पॉलिटिक्स चल रहा है बिकॉज हम लोग वेपन्स यूज नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे लाठी और क्या बोलते हैं त्रासजीत को अपने आप को सेफ्टी के लिए रख रहे हैं। सो आगे देखिए, जैसे हम लोग ये वाला टिकटॉक में वीडियोस बनाते हैं, ऐसा वाला एक वीडियो है जहाँ पे उनकी ट्रक्स की मूवमेंट हो रही है। वाओ, ये वही जो गाड़ी है जो ट्रेन में तब निकल रहे थे और यहाँ पे उनकी मूवमेंट हो रही है। सेम वे अभी आते हैं इंडियन एयरफोर्स की, तो Su-30 के स्क्रैम्बल हो चुकी थी उस दिन जहाँ पे दोनों के कंट्रीज के बीच में ये कॉन्ट्रोवर्सी पहली बार शुरू हुई थी। वहां जब उनकी फाइटर जेट्स हमारे एरिया में दिख रहे थे, वहां पे वॉर जोन में एक लॉ है दोनों के बीच में, फाइटर जेट्स दोनों जो है पेट्रोलिंग के लिए अपनी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर आ सकती है, दे कैन फ्लाई अराउंड, और मोर देन 10 किलोमीटर के अंदर कुछ मूवमेंट होती नहीं है ज्यादातर, बट जब ये टेंशन की चीजें बढ़ती है। सो कमिंग टू इंडियन आर्मी, यहाँ पे इंडियन आर्मी की पूरी ऑयल पेट्रोल टैंक्स फूड सब कुछ लद्दाख की नॉर्मल मूवमेंट जो होती है, बिकॉज लद्दाख 6 मंथ्स कट हो जाती है इंडियन सेंटर से। लद्दाख ऐसे एरिया में है जहाँ पे रोड सारे बंद हो जाते हैं स्नो गिरने के बाद, तो उनकी और हमारी कॉन्टैक्ट 6 महीने के लिए कट जाती है। तो पूरी जो राशन जा रही है उसी टाइम पे एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रही है, बहुत सारी चीजें, थाउजेंड ऑफ ट्रक्स और आर्टिलरी टैंकर्स बफोर्स बहुत मूव हो रहे हैं। आपने शायद बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, तो हम लोग ना दिखावा नहीं करते अगर, लेकिन अगर हम लोगों ने अपनी पूरी फौज की काउंट दिखाने लग गए तो चीनी की बहुत फटने वाली, बट फिर भी झगड़े की बात नहीं है गाइस। इट्स लाइक यू नो बायलैटरल टॉक्स होती है, डिप्लोमेटिक टॉक होती है, इन चीजों से पूरी चीज को दे ट्राई टू क्लोज इट आउट। बट आगे देखते हैं फिर ये पूरी ट्रक की जो भी फूड एंड आइटम्स आ रही है, यहाँ पे देखो ऊपर से टॉप से लिया गया जो इंडियन आर्मी की मूवमेंट हो रही है लद्दाख में। तो पूरे ट्रक्स आ रहे हैं, पूरे खाने आ रही है, वेपन्स आ रही है, सब कुछ जो भी वॉरफेयर के लिए यूज होना चाहिए, बिकॉज जब उनकी मूवमेंट चल रही है तो उसी के मिररिंग रेस्पॉन्स इंडियन आर्मी दे रही है, बिकॉज हम कभी जंग में जाते नहीं है अंटिल एंड देन द एनिमी अटैक्स, जब तक एनिमी एंटर कंट्री हमें अटैक नहीं करता हम लोग नहीं करेंगे करके दोनों के बीच में ट्रीटी और इंडिया के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को बात छोड़ दीजिए, लेट्स नॉट थिंक फॉर देम, दे आर ऑलवेज देयर, वो कभी सुधरेंगे नहीं। एंड मोइंग फर्दर, आप देख रहे हाईवेज में पूरे हमारे टैंकर जा रहे हैं, बट मैं प्लीज यही चीज बताने जा रहा हूँ कि ऐसे वीडियोज फॉरवर्ड ना करो, ये मत करो करके बोलते हो ना, इट्स नॉट लाइक दैट बिग मूवमेंट। ये वीडियोज कब बहुत पुराने होते हैं और जब तक फॉरवर्ड होते होते आपके पास आते तो बहुत टाइम लग जाती है। एंड ये देखिए लद्दाख में है अपनी पूरी ट्रक्स और टैंकर्स की मूवमेंट हो रही है। सो दिस इज यूजुअल मूवमेंट, एवरी 6 मंथ्स में ये होती है, पूरे टैंकर जाती है, ट्रक जाती है, बट इस बार ज्यादातर अमाउंट में जा रही है। तो आप सबने सुना होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में बातें हो चुकी है, ऐसा कि वो टॉक्स सक्सेसफुल हो चुके करके इंडिया बोलती है, लेकिन अदर पॉलिटिकल मीडियाज बोलती है कि देयर इज नो एनी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेकिन दोनों की ट्रिप्स पीछे निकल रही है। बट स्ट्रैटेजिकली जो वो इमेजेस है मैं आपको दिखाने चाहता हूँ। ये देखिए ये जो हाईवेज है, जस्ट डोंट वांट कमेंट एनीथिंग ऑन दीज पिक्चर्स, बट जस्ट हैव अ लुक। आपको ज्यादा इस चीज के बारे में जानना है तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप फॉलो कर सकते हो, Varun Kati 13, तो आपको अकाउंट ऊपर दिख रही है, तो ज्यादातर आपकी मूवमेंट समझ में आएगी। और ये है इंडियन आर्मी की पुरानी वीडियो जो वहां पे लद्दाख में अपने लद्दाख की जो भी है ट्रीम फ्रंट लाइन में उसकी वीडियो है, प्लीज देखिए डिफेंडर्स ऑफ लद्दाख। और एक और बेहतर 2019 की वीडियो है, देखो नाइट विजन का, वो नाइट विजन का इतना इतना प्राउड फील होता है ना सभी चीजें देखने के लिए। एनीवेज दिस वीडियो बहुत देर तक चलेगी तो जस्ट वांट टू कट इट ऑफ। आपको मैं उसका लिंक्स दे दूंगा जो भी जहां से मैंने भी वीडियो दिया है, बहुत सारे वीडियोस जो मेरे को ट्विटर से मिली है, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट से मेरे को मिली है। दीज आर द मैप, ठीक है, यहाँ पे देखो फिंगर फोर जो आपको दिख रही है, सब चीज मीडिया चैनल आपको दिखा रही है। लेफ्ट साइड आपको ITBP की बेस कैंप दिख रही है, यहाँ पे चाइनीज आर्मी की पोस्टिंग दिख रही है, लेकिन अब तक वो लोग आगे आ चुके हैं फिंगर फोर से फिंगर एट में उनको आने का अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। सो यू कैन जस्ट हैव लुक अबाउट दिस, पॉज दिस पिक्चर्स एंड वॉच ताकि आपको समझ में आए। Just gonna keep it like, I don't want to explain more on that because ये बहुत सारे analytics की viewpoints हैं। So please keep watching and then जब भी आपको चाहिए आप
एंड तक देखिए, आपको जितना समझ में आ रहा है, बिकॉज लेट्स नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस अंटिल एंड देन वी रियली नो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग अंटिल एंड देन आवर गवर्नमेंट लिटरली रिप्लाइज टू ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन लद्दाख. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करो अंटिल एंड देन यू हैव एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्स. ये सारे एनालिटिक्स की पिक्चर्स है जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से अपनी पिक्चर्स लेती है, सो एवरी वन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. अंटिल एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कैसा होता है, व्हाट इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, चीजों को बारे में जाने. फालतू में बहुत सारे ऐसे है जो पाकिस्तानी फेक मीडिया है जो बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, लेकिन वहाँ पे फेक न्यूज फैलती है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विच इज ट्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड कौन ऐसे वाले फेक है. तो प्लीज कीप एन आई ऑन ऑल दिस पिक्चर्स. दिस इज ऑल ओपन सोर्स जो सबको मिलती है, उसी के बेसिस पे मेरे को कोई इंटेलिजेंस का इंटरनल डाटा नहीं है. दिस इज ऑल नॉर्मल डाटा दैट एवरीवन कैन एक्सेस इट फ्रॉम द सोशल मीडिया. तो मैंने बहुत सारे इमेजेस दिखा दी आपको, दोनों देशों की मूवमेंट्स आपने देख लिया है. शायद आपको वीडियो पसंद आया हो एंड प्लीज इसको सारे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी ये समझ में आए कि वो क्या रहा है हिंदुस्तान में और चीना के बीच में. आगे ज्यादातर ऐसे वीडियोस के बारे में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कीप वॉचिंग वरुण कंट्रीज इंडियन ब्रेन टेस्ट. और एक और चीज, ऐसे वाले वेपन्स के बारे में बहुत सारे मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब पे डाल दिया है, सो प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस एट द एंड एंड डू सब्सक्राइब बिफोर यू वॉक आउट, बिकॉज आगे मैं ऐसे वीडियोस जब लेके आऊंगा तो अब मैं आपको पहुंच नहीं पाऊंगा. तो प्लीज चेक आउट दिस चैनल एंड स्टे अपडेटेड. तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन ट्विटर, दैट इज वरुण कटी 13, ऑन माई इंस्टाग्राम इट्स वरुण कटी, एवरीवेयर इट्स वरुण कटी. मैंने सारे लिंक सबको दे दिया जहाँ पे लोग सोशल मीडिया में मेरे को फॉलो करना है, फॉलो कीजिए एंड हैव अ गुड डे. जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय. वरुण कटी साइनिंग आउट.